हेलो नमस्ते आदाब, शुरू हो चुका है द सिनेमा शो। मेरा नाम सोनाली है और चलिए बताते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। पहली खबर नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की, जिसके आखिरी सीजन का लास्ट पार्ट आज रिलीज हुआ है। रिसेंटली यूट्यूबर भुवन बाम स्पेन में मनी हाइस्ट के प्रीमियर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीरीज की कास्ट से बातचीत की। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रोफेसर का रोल प्ले करने वाले एक्टर अल्वारो मोर्टेस से बातचीत की। जब अल्वारो से पूछा गया कि मनी हाइस्ट के खत्म होने पर उन्हें कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। अल्वारो ने कहा कि अगर किसी भी सीरीज को बेवजह का बढ़ाया जाए या उसे खींचा जाए तो ऑडियंस बोर हो जाती है, इसीलिए वो खुश हैं कि शो खत्म हो रहा है। तापसी पन्नू जल्द ही फिल्म शाबाश मिट्ठू में नजर आने वाली हैं, जिसकी रिलीज डेट आज अनाउंस कर दी गई। तापसी ने नए पोस्टर को शेयर करते हुए बताया कि ये मूवी 4 फरवरी 2022 को रिलीज होगी। सुजीत मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इंडियन क्रिकेट प्लेयर मिताली राज पर बनी है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी आज से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जा रही है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पिछले महीने थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जहां इसने करीब 200 करोड़ की कमाई कर डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को 100 करोड़ में खरीदा है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स के नॉमिनेशंस आ गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी को। हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज को सभी कैटेगरीज में 14 नॉमिनेशंस मिले हैं। इसके बाद मिर्जापुर को 13 और द फैमिली मैन के दूसरे सीजन को 12 नॉमिनेशंस दिए गए। ये अवार्ड शो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली सीरीज के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प आज रिलीज हो गई। कल इसके प्रीमियर के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। इसी प्रीमियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें काजोल अहान शेट्टी को मजाक में गधा कहती दिख रही हैं। इस वीडियो में फोटोग्राफर्स काजोल को फोटो शूट करने के लिए बुलाते हैं, मगर काजोल उन्हें मना कर देती हैं। फिर अपना फोन निकालकर अहान शेट्टी के साथ सेल्फी लेने लगती हैं। इसके बाद वो अहान को देर में फोटो क्लिक करने के लिए गधा भी बुलाती हैं। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास आज रिलीज हुई है, जिसे लोगों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिसेंटली इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दिए इंटरव्यू में अभिषेक ने उन ट्रोल्स को जवाब दिया जो बेटी आराध्या के बारे में बेतुकी बातें करते हैं। अभिषेक ने कहा कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और कुछ ऐसा जिसे मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं पब्लिक फिगर हूं, चलता है, मगर मेरी बेटी इन सबसे दूर है। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर आकर कहिए। आराध्या को अक्सर ट्रोल किया जाता है, कभी उनके डांसिंग वीडियोस के लिए तो कभी माँ ऐश्वर्या का हाथ पकड़ने के लिए। बीते कई दिनों से विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को लेकर बज बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर को दोनों राजस्थान में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शादी के बंधन में बन जाएंगे, मगर बताया भी जा रहा है कि दोनों ने आज कोर्ट मैरिज कर ली है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक विकी और कटरीना 3 दिसंबर को कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर कर देंगे। इसमें 3 विटनेस भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों राजस्थान के लिए रवाना होंगे, जहां 9 दिसंबर को वेडिंग और दूसरे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें विकी और कटरीना की शादी से पहले जुटने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। वैसे विकी और कटरीना की तरफ से शादी की कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, ना ही दोनों के परिवार वालों ने अभी तक ऐसी कोई बात कन्फर्म की है। मिर्जापुर में मुन्ना त्रिपाठी के खास दोस्त ललित का रोल करने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा नहीं रहे। ब्रह्मा के वर्सोवा वाले फ्लैट में से उनकी डीकम्पोज्ड बॉडी मिली। उनके गुजर जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर ब्रह्मा का एक पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे उनका लास्ट वीडियो भी बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए जुड़े रहिए, दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड।